राम राम दोस्तों, मैं हूँ आप रोसा तीरा उताराम मूड। और आज अपन सुनेंगे अगली कहानी। तो कहानी इन प्रकार है कि मदनपुर नगर में वीरवर नामरो राजा राज करतो। बिंगे राज्य में एक वैश्य हो, बिंग नाम हिणे दतो। बिंगे मदन सेना नामरी एक कन्या ही। एक दिन मदन सेना आपरी सखियों रहते बाग में गई। बड़े सजोग हूँ एक सोमदत्त नामरो हेठरो लड़को धर्मदत्त आपरे मित्र रहते आयो। बटे मदन सेना ने देखते ही वो एकदम मोहित हो गयो। घरे लौटन बहन हारी बात बताई और एकदम उदास रहन डूबो। तो अगले दिन भले ही वो बाग में गयो, मदन सेना बटे आई अकेली बैठी। बिंग कने जान बन गयो कि हूँ थे प्यार करूँ। अगर जे थे मैं हूँ ब्याह नहीं कियो तो हम अट प्राण देगा। जना मदन सेना जवाब दियो कि आज पांचवें दिन मेरी शादी होने वाली है, हूँ तेरी नहीं हो सकूँ। वो बोलियो कि हूँ तेरे बिना जीवित नहीं रह सकूँ। मदन सेना डर गई, बोली है कच्ची है ब्याह कर। बा बोली कि सौखी बात है तो तू ब्याह होने दे, हूँ मेरे पति रे कने जाऊँ बेणू, पहला एक बार थे जरूर मिलूँ। बसन दे मदन सेना डर गई, बीमू ब्याह हो गयो। और बा जब आपरे पति रे कने गई तो उदास होकर बोली के थे मेरो ऊपर विश्वास करो और मने अभी दान दे दो। तो एक बात कहूँ तो पति कहो के सारी बात बताई। उन पति ने होशियो के ये बिना जाए थी तो मानेगी नहीं, तो रोकना भी बेकार है। तो पति आप बिना आज्ञा देगी और मदन सेना आसा आसा कपड़ा पैर गहना पैर चली। तो मार्ग में भी नहीं शोर मिलो बेण भी ने पकड़ ली। मदन सेना ने कहो कि तू मने छोड़ दे भाई, मेरा गहना ले जा, ए ले जाने वाले ले जा। पर शोर बोलो कि गहना किंग चाहिए, हूँ तो थने ले जाऊँ। मदन सेना आप सारो हाल बतायो, कहो कि भाई पहला तो हूँ बटे जाना हूँ और बाद में पास आओ तेर का नाम। तो सोर भी ने छोड़ दी। मदन सेना धर्मदत्त कन गई पहुँची तो भी ने देख बड़ो ही खुश हुयो और पूछियो कि तू तेरे पति बस की कराई। तो मदन सेना जगी ही जगी आपरी बात हंसी हंसी बता दी। तो भी असर धर्मदत्त माता हगड़ू गरो पड़ियो और धर्मदत्त उमेड़न पासी आई पासी सोर कने आई। और सोर नहीं भाई कहानी होना ही कि भाई हूँ धर्मदत्त ने मेड़ नहीं हूँ छोड़ नहीं हूँ। सोर बड़ो प्रभावित हुआ और बिन जा ले जा पास घेरे छोड़िए। एंड प्रकार मदन सेना हेमा बस नावरे पति रगन गई। पति ने हारो हाल बतायो तो वो बहुत प्रसन्न हुयो और बिंग हाथे आनंद रहने लगो। ये तो कहन बेताल बोलियो कि हे राजा विक्रमादित्य, थे ही बताओ कि पति धर्मदत्त और चोर और दो माऊँ हेंगो ज़्यादा त्याग की हूँ। तो राजा का कि चोर मदन सेना का पति तो उसके दूसरे आदमी पर रुझान होने से त्याग देता है। धर्मदत्त भी नींद लिए छोड़ दी कि उन मन बदल गयो, फिर भी डर मारे अटे आइए भाई पति कहन राजा उन्न दिराए। तो लेकिन छोर ने कोई पतो नहीं हो इन वास्ते भी ने छोड़ दी। इन लिए वो दोनों को बहुत बड़ा त्यागी है। राजा री आ बात हूँ बेताल फिर पासो भी पेड़ में जान लटक गयो और राजा विक्रमादित्य भड़ाई जाए लावण्य। और भड़ाई पास आओ तो ये कहानी होनाई। तो बा कहानी के होनाई अगले भाग में होना।
और जड़े तो मेरे चैनल थे सब्सक्राइब नहीं की है तो सदस्यता लोरी घंटे वाला बटन दबाए और सभी नोटिफिकेशन आते क्लिक कर दो तो भेड़ा भेड़ा एक नवे वीडियो रहते जड़ता ही। राम राम, जय हिंद, जय भारत।